गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द माई न्यू ब्लॉग। और अभी थोड़ा सा लेटेस्ट है, आज सैटरडे है ना, तो हमने किया छुट्टी, तो स्कूल छोड़ने जाना नहीं था, तो आराम से उठ के तैयार होकर आ गए। तो अभी थोड़ा सा जल्दी निकलना है, अभी 8:05 हुए हैं, तो अभी एक कस्टमर के यहाँ जाना है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद फिर निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तो थोड़ा सा ऑफिस पहुँचने में लेट हो जाएगा, लगभग 9:15 बज जाएंगे, तो ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है वहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो कस्टमर के यहाँ पहुँचते हैं और बस अभी जल्दी निकल लिए, 8 बज रहे हैं, तो पास में ये 8:15 तक कस्टमर के यहाँ पहुँच जाएंगे। तो उसके अंदर 15-20 मिनट 25 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए मैंने ऑफिस में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया। तो अभी चल लेते हैं, आज सैटरडे का संडे है, तो बस कोई नहीं, तो चलिए अभी चलते हैं। तो अभी निकल लिए ऑफिस के लिए, थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं, क्योंकि किसी कस्टमर के यहाँ जाना है, तो थोड़ा सा उसके काम है, तो जल्दी इसलिए निकल लिए कि थोड़ा ऑफिस का टाइम चले, थोड़ा मैं अपने टाइम से निकल जाता हूँ। वैसे तो मैं और जल्दी निकल जाता, एक कस्टमर का फोन आ गया, एनआरआई कस्टमर का, तो कम से कम 10 मिनट उन्होंने लगा दिए, तो नहीं तो मेरा प्लान था 7:45 तक मैं निकल जाऊँगा, और 7:45 तक निकल के तो आराम से 8 बजे तक कस्टमर के यहाँ पहुँच जाऊँगा, सारे काम कर आके 9 बजे तक ईजीली बैंक पहुँच जाऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फोन आ गया, 10 मिनट उसमें लग गए, फिर तैयार हो गए, सब कुछ हो गया, तो टाइम लग गया, बस यही हुआ, इसलिए तो बस थोड़ा सा लेट मान लो, कुछ मान लो, फिर भी मैं 9 बजे टाइम से तो थोड़ा जल्दी निकलाऊँ, अभी 8 बजे निकलाऊँ कस्टमर के यहाँ, 8:20 तक पहुँचूँगा, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा दूर तो है, लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और उसके बाद फिर कस्टमर के यहाँ पहुँचेगा। वहाँ कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है, फिर भी मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि अगर वहाँ 5 या 10 मिनट में काम खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर टाइम लग गया तो फिर टाइम लग सकता है कस्टमर के यहाँ। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here, the world seems small, we can sit together. तो अभी कस्टमर के यहाँ से फ्री हो गए हैं, और अभी लगभग यहाँ पे ऐसे मान लो कि मैं 8:25 पे आ गया, तो लगभग 20-25 मिनट लग गए, क्योंकि कितना भी जो भी उनका काम था, आराम से बैठे, फिर उन्होंने बताया उनके जो भी इशू था, नेट बैंकिंग चलाना था वो चला दी, सब कुछ करे, तो अभी 8:58 हो गए। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, 8:00 दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, 8:58 हो गए। तो चलो अभी निकल लेते हैं ऑफिस के लिए, और वहाँ के जो भी कुछ भी काम होंगे, कुछ भी होंगे, तो वहाँ जाके कर लेते हैं, वहाँ जाके चलो अभी ऑफिस में मिलते हैं, क्योंकि 9:20 बज जाएंगे वहाँ पहुँचने में, पर कोई टेंशन नहीं है, आराम से पहुँच जाएंगे। वहाँ पे टाइम से फ्री हो गए थे, तो मैंने सोचा मेरा कलीग यार एडमिट है, कल आपको बताया था हॉस्पिटल में, तो मैं सोचा उसको देखता हुआ चल देता हूँ, रास्ते में ही पड़ रहा था हॉस्पिटल, दोपहर में आ जाता, लेकिन रास्ते में हॉस्पिटल था, तो मैंने चलो उसको एक बार देख लेता हूँ, मिल के उसको भी अच्छा लगेगा, और देख लेंगे क्या हालचाल है, क्योंकि वो रात में रुकना नहीं चाहता था, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं रुक ले भाई, अभी तो रुकना पड़ेगा, अगर वो कहते मुझे डिस्चार्ज करा दो, मैंने कहा अभी डिस्चार्ज छोड़ दे, अभी मिल लेते हैं 5 मिनट के लिए, फिर ऑफिस चलते हैं। उसको देखा है अभी तो ठीक है, लेकिन रात में बता रहा फीवर भी बढ़ा गया था, तो वही है कि उसके डेंगू वगैरह कुछ चांस है, सारे टेस्ट हो गए, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, आ जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं है, और देख लिया अभी दिन में आके थोड़ा सा अभी जल्दी था, क्योंकि ऑफिस जल्दी पहुँचना होता है, दिन में आके उसको अच्छे से बैठ लेंगे, और कुछ भी खाने पीने का उसका मन होगा उसको पूछ लेंगे कि खाने का क्या मन, उसके लिए ला के दे देंगे, बस यही है, कोई घर का है नहीं, साथ में अकेला रहता है, पीजी में रहता, तो एक वो भी घर की भी याद आती है ऐसे टाइम पे, घर वाले होते हैं, क्योंकि जो घर वाले केयर कर सकते हैं बाकी लोग नहीं कर सकते, देखो कोई घर वाले होते हैं पास में होते हैं अभी, तो फील तो होता है, भले वो इतनी केयर ना करें, लेकिन एक फील होता है कि घर वाले होते हैं तो केयर अच्छे से कर लेते, मेरे घर वाले भी होते तो होता है ऐसा फील, पर हम वही पूरी वो कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि आके मिल लें, सभी लोग आके मिल लें, सारे ऑफिस के लोग आके मिल लें, तो बस यही है कि चलो उसको थोड़ा अच्छा फील लगे, कभी घर वालों को कमी महसूस ना हो। तो चलो अभी टाइम 9:15 हो चुके हैं, तो ऑफिस पहुंचते हैं।
अभी जो सामान वामान लेना वो सारा ले लिया, अभी आ गए। तो आज है सैटरडे, तो सैटरडे की अलग की खुशी होती है। जो जो वर्किंग में रहते हैं उनको सबको पता है सैटरडे की खुशी क्या होती है। और कल संडे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सो के उठेंगे, लेकिन आराम से ज़्यादा नहीं उठेंगे, 7:15 तक उठ जाएंगे। क्योंकि अगर लेट उठते हैं ना पूरा दिन खराब हो जाता है। 10 बजे सो के उठो, ब्रेकफास्ट चाय पियो, 12 बज जाते हैं, थोड़ा सा नहा धो के लगभग 2-3 बज जाते हैं, फिर दिन पूरा खत्म सा लगता है। तो सो के कोशिश करेंगे 7 बजे तक सो के उठ जाएंगे, और फिर सो के उठने के बाद आराम से जल्दी करेंगे, क्योंकि कल बहुत काम करना है और मैच भी आना है इंडिया जिम्बाब्वे, तो उसके लिए फ्री रहना है। वो 1:30 बजे मैच आएगा तो उसके हिसाब से फ्री करना, कल वीडियो भी शूट करनी है, गाड़ी बहुत गंदी होगी उसको भी साफ़ करना है, सब बहुत सारे काम करने हैं। तो सुबह उठूंगा जल्दी से, उठा के फिर सुबह गाड़ी साफ़ कर दूंगा, उसके बाद फिर नहा धो के वीडियो शूट कर लेंगे, एडिटिंग भी करनी है, बाकी सब काम करने हैं। तो हो सकता है कल बाहर भी जाना पड़े, तो देख लेंगे जो भी होगा। तो अभी का बहुत टायर्ड शेड्यूल, उठेंगे टाइम से, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी चलते हैं घर पे, और जो भी वहाँ का कुछ होगा तो वहाँ देख लेंगे। अभी आ गया खाना, खाना खा लेते हैं, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद किट्टू के साथ थोड़ा खेल लिया था, किट्टू के खेलने के बाद थोड़ा और काम वाम स्टार्ट कर दिया, तब बाकी कुछ नहीं था। सैटरडे तो बिल्कुल चिल माइंड से काम करते हैं, कोई नहीं हो जाएगा, कुछ कल कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। तो अभी आ गया खाना, खाना खा लेते हैं, खाना आपको भी दिखा देते हैं खाने में क्या। तो है पूरी, आलू गोभी पतली वाली सब्जी, मेथी आलू, बैंगन का भरता, खीर, सैलेड और रायता। आज खाने में बहुत कुछ ज़्यादा है, तो कोई नहीं, खा लेंगे आराम से, अच्छा खाना बना हुआ, टेस्टी है। तो अभी खाना खा लेते हैं, और बाकी फिर जो भी काम होगा कुछ भी होगा वो करके देख लेते हैं, जो भी होगा। अभी खाना पीना हो गया डन, तो बस अब थोड़ा काम वाम स्टार्ट कर लेते हैं। खाना खा के वॉक करके सब कुछ कर लिया, खाना भी खा लिया, वॉक भी कर लिया है, तो अब थोड़ा और काम कर लेते हैं। काम करने के बाद फिर सो जाएंगे, क्योंकि नींद सी फील हो रही है, तो कोई नहीं, अभी काम करके तो सो जाएंगे, तो और कुछ काम है नहीं, बाकी कर ले छुट्टी, कोई टेंशन नहीं है। नींद आएगी तो सो जाएगी, नहीं तो काम करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो काम करना स्टार्ट कर देते हैं।